हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर नॉलेज फाइट। एंड वी डिस्कस अबाउट जियोग्राफी, द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ इंडिया, चैप्टर 12 ऑफ सिविक्स, दिस क्वेश्चन आंसर। सो आज हम लोग जानेंगे इन चार क्वेश्चंस के आंसर जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने भी जितने भी आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, मैंने उन सब के सारे क्वेश्चन पढ़ाया, उन सबके मैंने क्वेश्चन आंसर शेयर किए ऑलरेडी। जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इन तीनों के ही तारे पढ़ा दिए मैंने, उतना ही आप लोगों से क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं। तो ये आज हमारा जियोग्राफी सिविक्स का है, चैप्टर 12। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड। सो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो ये वीडियो क्लास सेवन्थ के लिए, यू नो फॉर दैट आई एम ओनली स्टडिंग क्लास सेवन्थ, मैं सिर्फ क्लास सेवन को ही पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया को कब आज़ादी मिल गई थी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे वन वर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटी इज अ थोड़ा सा बड़ा है सिलेबस। तो ये हमारा जो है, हमारा जो भारत है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब कब आज़ाद हुआ। ऑन दी नाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 को देश जो है आजाद हुआ था, इंडिया गॉट्स इंडिपेंडेंस। किस डेट में आपको याद रहना चाहिए, क्या है, 15 अगस्त 1947 एट नाइट, या वो कहीं भी किसी से भी बोला जा सकता है। एंड सेकंड इज, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको इसकी रिप्रेजेंट लिखे दे रही हूँ, ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन व्हिच अ कंट्री इज गवर्न्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी कंट्री बेस्ड है, पूरी दुनिया बेस्ड है, जो गवर्न करती है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करती है किसी कौन से कंट्री में लीजिए। जैसे कि ऑब्वियसली आप लोगों की जैसे इस टाइप की कोई बुक्स होती है, आपने कोई स्टोरी बुक्स, कोई नॉवल बुक, कुछ भी देखा होगा, वो इतनी मोटी होती है लाइक डिक्शनरी, उसी तरह का लोग कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक में क्या लिखा है, जैसे आप लोग कोई गलत काम करते हैं, जैसे कोई किसी ने किसी को मार दिया मर्डर केस है, तो उस पर धारा 1917 में उन्हें क्या किया जाएगा, जेल जाएगा 4 महीने 7 महीने, ये सब धाराएँ, ये सब पनिशमेंट और ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखी हुई है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पूरी लिखी थी। हाँ, वो क्या भी 18 दिन या फिर कुछ इस तरह कुछ, मतलब कि ज़्यादा लगा था 1 महीना कुछ, तो आई डोंट नो फॉरगेट दैट, मैं इसे भूल गई हूँ, इसलिए मैं जब अगले दिन याद आएगा तो आई विल टू सेव दैट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज आई एम अंडर द वेदर, मेरे काम है सिर्फ, मेरे सोते आई एम अंडर द वेदर। तो यहाँ डॉक्यूमेंट बेस्ड होना विच अ कंट्री इज अ गवर्न, जैसे कंट्री मतलब कंट्री के ही ऊपर गवर्न है कि जो काम करेगी, जैसे किसी को, जैसे कि ये हमारा एक आदमी है, ये हमारा एक आदमी है, इसके गले में अब फांसी पड़ गई, तो ये जब जाएगा तो इसे जो कोई पनिशमेंट करेगा वो हमारा क्या होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो मर्डर करने के बाद उसे फांसी ही होगी, तो उसे फांसी ही होगी, जो उसे छोड़ दिया जाएगा तो आप उसे छोड़ दिया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स ऑन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुआ, इन्फोर्स का मतलब क्या होता है कि कब
कब इन्फोर्स हुआ टेल मी, अपना जो कंट्री है वो कब इन्फोर्स हुआ, मतलब कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो कब से लागू हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स ऑन राइट 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का क्या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इंडिया में, तभी इसी तरह 26 जनवरी को बनाते हैं, मतलब 26 हम लोग की दुनिया का बहुत अच्छा बनाते हैं जी, और हम लोग भी इसीलिए से किस चीज में मतलब कि हार गए है ये सब लोग करते हैं। और 15 अगस्त हम लोगों का देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त जैसे तो 15 अगस्त से हम लोग का देश जो है इंडिपेंडेंस हुआ, और दिस आवर रिपब्लिक डे। तो गाइस व्हाट इज द डेमोक्रेसी, ये सिर्फ आपको ही लिखना है, मैं सिर्फ वो समझाती हूँ, जिसे गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, मतलब जो आर्मी जो पीपल्स इलेक्ट सेलेक्ट करते हैं कौन गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल्स इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसीजन जान लिए। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को सब चारों के डिसीजन मिल चुके हैं, मैं आपको चार अगर हम लोगों रिपब्लिक के बारे में पढ़ाया तो आपको एक होमवर्क मिलता है, व्हाट इज रिपब्लिक, आपको लिखना है व्हाट इज रिपब्लिक की डिफिनेशन। तो दिस इज योर होमवर्क। सो गाइस आई होप कि आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे होंगे, और इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, देखिए हमें आपको पढ़ाना था मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, आपको सिर्फ एक काम करना है जैसे समझना है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को कुछ और वीडियोज आने वाली की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, उसे हम लोग किसी और चैप्टर के बारे में और जो पढ़ेंगे उनके अलग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, सी यू अगेन।